आप लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कि पहले पिए चाय? आप लोग फर्स्ट टाइम? आप लोग फर्स्ट टाइम? आप देख रहे हैं मैं आ गया हूँ आर्मी कलर चाय वाला काउंटर। वेलकम टू पटना इंस्टेंट, मैं हूँ सौरभ, आपका स्वागत कर रहा हूँ फिर से अपने चैनल पटना इंस्टेंट पे। ठंड अभी कम नहीं हुई है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैं फ्रेज रोड में आया था तो मेरे पीछे एक काउंटर दिख रहा होगा आर्मी रनर चाय वाला, अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। तो इसमें क्या खासियत है, आखिर चाय वाला का ट्रेंड इतना क्या चल गया? यहाँ पे भीड़ काफ़ी लग गया है, दोपहर का 1 बज रहा है, बट मौसम जो देख रहे हैं मैं आप लग रहा है काफ़ी ठंड है अभी भी। और इस काउंटर का नाम है आर्मी चाय वाला, और हम लोग आ गए हैं आर्मी रनर चाय वाला के पास, जो कि ये छोटा सा काउंटर खोले हुए हैं अपना। और चाय वाला का जो ट्रेंड पटना में चल रहा है आप तो देख ही रहे हैं। और यहाँ का जो मैं उसका इनका जो मेन्यू मैं दिखा दूँ, चॉकलेट चाय 20 रुपये का है, पान चाय 20 का है, अदरक चाय 10 की है। तो इनसे मिलते हैं हम लोग, और ये अभी गाना बजाने आ गए हैं तो थोड़ा वेट करते हैं। और ये चाय देखिए यहाँ बना रहे हैं, काफ़ी ठंड में ये चाय बना रहे हैं, और काफ़ी रश भी है जो कि पीने वाले की कमी नहीं है यहाँ पर। और आप देख ही रहे हैं यहाँ लोग आके चाय पी रहे हैं। और ये हैं भाई साहब हमारे। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? हिमांशु कुमार हुआ भैया। हिमांशु कुमार, तो कैसे सर बताइए कहानी अपने बारे में, कैसे कैसे ये नाम पड़ा आर्मी रहना चाय वाला आपका? भैया हम आर्मी का तैयारी करते हैं, मतलब 2 वर्ष इसका निकाले हुए हैं। पहले मेरा स्टॉल का नाम आर्मी चाय वाला था जी, लेकिन मीडिया कुछ लोग आए और पब्लिक के लोग भी बोले कि नहीं आर्मी रखना उचित नहीं है, क्योंकि हम आर्मी में थे नहीं, हम भी आर्मी रनर चाय वाला डिसाइड करके चेंज करके रख दिए। और ऐसे 2 बार फिजिकल निकल, चेस्ट में छट गया इस बार, मतलब 25 नवंबर को मेरा दौर था, तो उसके बाद अभी तैयारी कर रहे हैं, साल भर बचा हुआ है, सोचे कि अपना कुछ पॉकेट खर्चा के लिए थोड़ा स्टॉल कर दे। तो अभी हालांकि पटना में चाय वाला का ट्रेंड चला हुआ है बहुत सारा, तो उसको सोच के आपके मन में पक्का सोचा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वो 12 घंटा लेगा कम से कम, 8। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और वो 8 से 10 हज़ार सैलरी देगा, छुट्टी भी नहीं देगा, ये अपना काम है। इस समय जिस समय बंद करना हो उसको बंद कर देंगे, वो करेंगे तो बहुत फिर भीड़ बढ़ेगा, उसको काम को करेंगे वो समय मांगेगा, ना हमको छुट्टी देगा, ना मेरा क्लास हो पाएगा, ना कुछ हो पाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आपका ये कैनोपी जैसा आपने लगा रखा है, कुछ ऐसा काउंटर के लिए आपको कुछ सोचा नहीं कि आपने परमानेंट काउंटर के लिए लगाने के लिए? नहीं वो नहीं सोचे, वो नगर निगम दिक्कत करता है ना, इसी वजह से वो नहीं। तो कैनोपी में आपने सोचा? हाँ बाद में सोचेंगे उसके बारे में, इसी वजह से छोटा मोटा लिया है, और उतना बजट भी नहीं है उसके लिए, इसी वजह से कनेक्ट। आपका घर कैसे कहाँ हुआ ऐसे? मुजफ्फरपुर जिला हुआ मेरा। मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं सोचा आपने चाय बनाने के लिए? वहाँ पे इतना कुछ खास था नहीं, यही तो ठीक था पटना ही। कुछ घर है वहाँ पे ऐसा कुछ लगा किया कि वहाँ? हाँ, ये एक रीज़न है। हाँ, एक रीज़न। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं ये आर्मी की तैयारी करते थे और चेस्ट के वजह से ये उसमें चुना नहीं पाए, अभी भी ये तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए अपने काम में। और ये चाय बन चुका है और ये हमें भी चाय पिलाएंगे। और चाय का जो रेट है वो बहुत सिंपल रेट है, आप देख सकते हैं गाइस, आपको मैंने दिखा दिया। और काफ़ी लोग यहाँ पर चाय पीने आ गए हैं, तो देखते हैं यहाँ पर चाय कैसा इनका टेस्ट है चाय का। और ये जैसा कि छोटा सा कैनोपी लगाए हुए हैं, एक छोटा सा गैस का चूल्हा है और ये कैनोपी लगा कर अपना ये चाय बना रहे हैं। तो इन्होंने जैसा कहा है कि प्राइवेट जॉब से बेटर है कि अपना कुछ काम करें और लोगों को चाय पिलाकर खुश रखें। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कि पहले पिए चाय आप? फर्स्ट टाइम। आप लोग फर्स्ट टाइम आए भैया? आपको लग रहा है खुद ब्लॉगर है क्या? एक अच्छा ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो लोग यहाँ पे देखते हैं चाय का रिव्यू कैसा है। एक रखिए ना। अच्छा है, टेस्ट आ रहा है अदरक की कुछ? ठीक है। तो जैसा कि वो बता रहे हैं ठंड में, इस ठंड में पीने का चाय अलग ही मज़ा है। और हाँ आर्मी की तैयारी भी की है, रनिंग भी निकाल। हाँ हाँ मैंने बताया रनिंग भी तैयारी की है, चेस्ट के वजह से ये थोड़ा डिस्क्वालीफाइड हो गए थे, बट अभी भी तैयारी कर रहे हैं क्या भैया? अभी भी तैयारी हो रही है आपकी। चलिए ऑल दी बेस्ट आपको हमारी तरफ से कि आपकी तैयारी होते रहे और ये चाय का जो आपका शॉप है छोटा सा ये चलता रहे। हम भी चाय पिलाई, चाय पी के टेस्ट करते हैं और एक जेन्युइन रिव्यू देते हैं आप लोगों को कैसा चाय है इनका। चाय इनकी काफ़ी अच्छी है और ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, मैं फीका जैसा लग नहीं रहा है, नॉर्मल चाय, घर वाली चाय लग रही है। और इसकी दस का दाम क्या भैया? 10 रुपये चाय है गाइस, जो अक्सर कूलर में 10 रुपये का ही चाय मिलता है। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है चॉकलेट चाय और पान चाय के बारे में। तो आइए, यहाँ पर फ्रेजर रोड के का एरिया है और सामने रेवंट का शोरूम है, महाराजा कॉम्प्लेक्स के साथ पास में ये है। सबसे अच्छा लोकेशन बुद्धा पार्क के सामने में है। आप आइए, यही लगाते हैं क्या भैया आप काउंटर डेली? टाइमिंग क्या आपको? 8 बजे से शाम को 5 बजे तक। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ये काउंटर ठंड के मौसम में 5 बजे उठा देते होंगे। तो आइए और मिलिए यहाँ पे इनसे, थोड़ा भेंट मुलाकात कीजिए इनसे भी। कैसा रिस्पांस आ रहा है अभी पब्लिक का आपका फिलहाल? रिस्पांस भी बहुत अच्छा है पहले से। कितने दिन हो गए लगाए हुए? लगाए हुए 1 महीने के लगभग हो गया। 1 महीना हो गया, तो ठंड की वजह से 5 बजे जल्दी बहुत अर्ली उठा लेते हैं काउंटर। हाँ बहुत जल्दी, फिर काम रहता है, क्लास भी रहता है, खाना बनाना भी रहता है, इसी वजह से रूम लेके रहते हैं जी भैया। अनमैरिड? हाँ। ये भाई जी से बता रहे हैं कि
इन्हें खाना बनाना होता है, पढ़ाई करना होता है, अनमैरिड हैं, रूम लेकर रहते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग से गाइस रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी मेरे व्यूअर्स से देख रहे हैं, आप यहाँ पे आएँ और एक बार जरूर चाय पिए इनका, इनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।